नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मित्र लाइव। मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार। आइए अब तक की कुछ खास खबरों पर नजर डालते हैं। अब केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने दिखाया बगावती तेवर, छोड़े बीजेपी के कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष हुए कोरोना पॉजिटिव, खुद को किया होम आइसोलेट। कोरोना संक्रमित अरूप विश्वास को आज अस्पताल से मिल सकती है छुट्टी, हालत स्थिर बताई जा रही है। कोलकाता से दुबई जाने वाले विमान में 5 यात्री मिले कोरोना संक्रमित, मचा हड़कंप। 10 दिनों के उत्तर बंगाल दौरे के बाद आज कोलकाता लौटेंगे राज्यपाल जगदीप धनखड़। राज्य में नाइट कर्फ्यू जारी, महानगर के विभिन्न जगहों पर नाका चेकिंग जारी। पूर्व मेदिनीपुर के खेजोरी में बम ब्लास्ट, एक व्यक्ति की मौत, कई गंभीर रूप से घायल। महानगर समेत कई हिस्सों में ठंड का सितम शुरू। बंगाल में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 6,078 नए मामले सामने आए, वहीं 13 लोगों की मौत हो गई। 24 घंटे में कोलकाता में 2,801, उत्तर 24 परगना में 1,057 और हावड़ा में 665 नए मरीज मिले। कोलकाता पुलिस में भी बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण, 8 IPS अधिकारी समेत कुल 86 संक्रमित। कोलकाता में 25 और हावड़ा में 41 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बने, 30 सेफ होम चालू। पूर्व मंत्री बाबुल सुप्रियो और उनकी पत्नी और पिता कोरोना संक्रमित। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना संक्रमित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मणिपुर और त्रिपुरा के दौरे पर करेंगे कई योजनाओं का शिलान्यास। प्रधानमंत्री मोदी कल पंजाब में रैली करेंगे। बिल्डर अजय चौधरी के नोएडा और ग्रेटर नोएडा के 7 ठिकानों पर छापेमारी। एम्स दिल्ली ने रद्द की बची हुई सर्दियों की छुट्टियां, स्टाफ से जल्द ड्यूटी पर लौटने को कहा। दिल्ली में भाजपा सांसद मनोज तिवारी हुए कोरोना संक्रमित। पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगाया गया। गाजियाबाद में फ्लिपकार्ट के डायरेक्टर और एरिया मैनेजर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 37,379 नए मामले सामने आए। यूपी में 4 IPS अधिकारियों का तबादला, प्रयागराज के SSP बनाए गए अजय कुमार। महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजीत पवार कोरोना वायरस की समीक्षा के लिए आज करेंगे बैठक। एप्पल ने रचा इतिहास, $3 trillion मार्केट वैल्यू वाली पहली कंपनी बनी। अब तक के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए भारत मित्र लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।